सभी को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर और तीसरे दिन जी उठने वाले यीशु मसीह की महिमा करते हैं तो बहुत सारे लोग यीशु की मृत्यु के बारे में अच्छे से जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग उसकी मृत्यु के परिणाम को जानते हैं 세계 많은 사람들이 예수님의 죽음 그리고 부활을 찬양하는 또 dunia में इतने लोग क्यों यीशु मसीह क 죽음에서 부활하신 이후에 일어난 일들. क्योंकि यीशु की मृत्यु और प ु न 탄해 오늘 은 마태복음에 있는 말씀을 읽겠습니다. 또 आज हम मती किताब से वचन को प ढ ़ें 27장 45절 말씀을 드리겠습니다.

तीसरे पहर के निकट ईशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्हा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो तो न तो जो वहाँ खड़े थे, उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वे तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत तौड़ा और स्पंच लेकर सरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे उसे बचाने आता है कि नहीं सोरी तब ईशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए गौर और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गयी में छाधन सुंदर आद और कबरे खुल गयी और सोए हुए पवित्र लोगो ने बहुत से शब्दी उठे बुरावे, बुरावे ज़ीगा ज़ीगा और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल कर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए तो तो तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था

तो यी मसीह क्रूस में मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा तो ये ना केवल यहूदियों के लिए पूरे दुनिया के लिए खुशी खबर थी क्योंकि यीशु मसीह एक जन ने पूरे मनुष्य जाति को के पाप को अपने ऊपर उठा लिया तो ईशु यी मृत्यु ने हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डाला तो ईशु मसीह ने जुटने के बाद हमसे कौन सा नया जीवन दिया तो एक बार हमने क्रिसमस कंटाटा कोरिया में किया था झंझू तो नाम के शहर में हमने किया था तो कंटाटा खत्म होने के बाद दस बजे से ज्यादा हो गए थे तो उस रात असलियत में मुझे जंजू नाम के शहर में सोकर जाना था लेकिन कुछ समय पहले चर्च के भाई बहन वो बहुत मुझे गुजारिश कर रहे थे कि आप हमारे चर्च में आइए झिझू और बहुत नजदीकी जगह है तो मुझे ऐसा लगा कि यही मौका है इसलिए मैं हपचन चर्च गया 이제 거의 तो, तो, हाँ तो जब मैं हपचन चर्च पहुंचा तो करीब थे और हपचन चर्च के भाई बहन भी कंटाटा में भाग लेने के बाद चर्च पहुंच गए थे तो वहां पे कुछ समय के लिए मैंने भाई बहनों को वचन प्रचार किया और रात बहुत हो चुकी थी इसलिए मैंने प्रचार करना बंद किया और मैंने अपनी बात बंद की हम तो एक औरत मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी पास जी, मैं में और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैंने कहा क्या हुआ तो उसने बताया कि मुझे शादी करके तेईस साल हो गए है तो शादी करने के तीन साल तक मेरे पति ने शराब नहीं पी थी 근데 무슨 일이 3년째 되는 해 날부터 술을 마시기 시작했어요. लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि चौथे साल से उसने शराब पीना शुरू कर दिया. बाउंडर का को तो कोरिया में जो शराब मिलती है उसमें 소주 नाम की एक शराब है. जंगीरों तो उसको पानी से डिस्टिल करके बनाया जाता है और वो बहुत ही मतलब तेज शराब है। 두병 마신다 또뭐저 샤랍기 보틀 해뭐그10 보틀을 한번 द 에 피자타타 참 직장에서 마치고 퇴근하면 집에 방에 병이 하나 있고 부엌에 하나 있고 뭐 사면은 그것 병 치우는 게, 그렇게 고똥 तो वो बहन जब अपनी नौकरी से घर वापस आती थी तो एक बोतल किचन में पड़ी होती एक बोतल कमरे में पड़ी होती तो वो बोतलों को उठाते तो तो इतनी दुखी होती थी। तो मैंने उस बहन को कहा कि कल सुबह सुबह जो हमारी प्रार्थना सभा होगी तुम तो तब अपने पति को लेके आना तो अगले दिन सुबह सुबह हमारी प्रार्थना सभा हुई और तब उसके पति आए आम और जब वो प्रार्थना सभा खत्म हुई तो मैं और उस औरत के पति हम साथ साथ बैठे तो ये सोजू नाम की शराब है बहुत ही मतलब तेज है इसलिए लोग छोटे से कप में उसे पीते थे लेकिन ये व्यक्ति एक बड़े से कटोरे में दो दो बोतलें भर लेता था और कटोरे में पीता था और वो मतलब खाना बिल्कुल कम खाता था बस शराब पीता रहता था तो पत्नी इतनी परेशान थी कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो, तो उसे ऐसा लगा कि बस आगे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तो उसके अगले दिन मतलब वो अपने पति को लेकर आई तो सुबह सुबह की प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद तो मैं और उसके पति आमने सामने बैठ गए नमस्ते कैसे है बातें शुरू की हमने तो सुबह सुबह आने से पहले दो बोतलों को एक कटोरे में भर के पी थे। जब वो करे मुझे इतनी शराब की बदबू आ रही थी तो मैंने उनसे कहा आप पे विश्वास करते हैं? तो बहुत ही अस्पष्ट सा जवाब दिया उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं चर्च आता हूँ तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया तो मैंने इब्रानियों इब्राहिद एक वचन निकाल के पढ़ा तो इब्रानियों इब्राहिद का चौदह मैंने पढ़ा जगा देन के एक ही चढ़ावे द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं है। है? हाँ। है। जा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के देह को चढ़ावे के रूप में स्वीकार किया हमारे पापों के लिए और क्योंकि ईशु हमारे पापों के लिए मर गया इसलिए हम पवित्र हो गए और यहाँ वचन कहता है कि सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए से तो कितना महान वचन है तो उसके द्वारा हमारे पाप सर्वदा के लिए धुल गए हम सर्वदा के लिए पवित्र हो गए जो पवित्रता हमें मिली है वो सर्वदा के लिए और हम सर्वदा के लिए सिद्ध हैं। तो बाइबल का वचन हमें ऐसे बताता है तो मैंने ये वचन बहुत पढ़ा था लेकिन जितना ज़्यादा ज़्यादा मैं से पढ़ता उतना लगता तो ने जो क्रूस अपनी जान दी उसकी ताकत अनंत काल के लिए है तो उसने जो पवित्र हमें दी है वो कुछ समय के लिए नहीं है उसने अनंत काल के लिए हमें, हमें पवित्र कर दिया है तो मैंने उसे समझाया भाई क्या तू सि नहीं हूँ तो क्यों तुम बोल सकते हो कि तुम सिद्ध नहीं हो मैं रोज शराब पीता हूँ लड़ाई करता हूँ तो मैंने उसे कहा तो क्या तू सर्वदा के लिए सिद्ध है नहीं मैं नहीं हूँ मैंने कहा बाइबल को पढ़ो बाइबल में क्या लिखा है तो बाइबल में लिखा है कि सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं तो तो हाँ सही है। है तो है, बाइबल जो कहती तो सर्वदा के लिए सिद्ध है, लेकिन तू बोलता है कि तो क्या ठीक है बाइबल ठीक है तो मैं तो तो भी पागलों जैसा सवाल पूछ रहा था तो उस भाई ने बोला हाँ बाइबल सही है

उसने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया तो अनंत काल की धार्मिकता को उसने पूरा किया ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा बाइबल ऐसा बता रही है तो, तो कुछ लोग मुझे कहते हैं में तो के बस बारे बात करते हैं आप हाँ, बाइबल के सारे बच्चों की जरूरत है तो अगर जरूरत नहीं है तो क्यों ने बाइबल में इतने वचन लिखे तो बाइबल हमें सिद्ध बताती है तो क्या तुम सिद्ध हो 이 사람은 자기가 절대로 술 마시고 취하고 그 다음에 막 술주정 부리고 막 그. सारा तो ये सोचता था क्योंकि वो शराब पीता है और मतलब शराबी है और लड़ाई करता है गलत जीवन जीता है इसलिए जब वो अपने आप को देखता है तो वो सिद्ध नहीं हो सकता वो पवित्र नहीं हो सकता वो सही नहीं हो सकता लेकिन भाई, भाई भा क्या बता रही है नहीं नहीं तो भाई तूने ऐसा किया ऐसा नहीं है नह

तो हम लोग ने चाहे कुछ नहीं किया एक ने क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के के द्वारा ने अपनी को क्रूस के द्वारा अपनी चढ़ाने तो बाइबल का वचन में क्या बताता है हम पवित्र किए गए हैं और वो पवित्रता सर्वदा के लिए हम सर्वदा के लिए सद हैं बाइबल हमें ऐसे बताती है माफी चाहता हूँ क्या आपकी बाइबल में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है ऐसा नहीं है मैं नहीं जानता शायद मैं कोरियन बाइबल पढ़ रहा हूँ तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि मसीह की मृत्यु के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो हम क्या कहते हैं तो हम जो पवित्र किए गए हाँ ठीक है मैं शराब बिना मैंने बंद कर दिया और मैंने पवित्र जीवन जीना शुरू कर दिया मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया के सारे गया। हाँ, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ ऐसा नहीं है तो हम पवित्र नहीं है हम गंदे हैं हम झूठे हैं हम, है, हम गंदे हैं कि नौने हैं बुरे हैं बेचारी हैं तो चाहे हमने कुछ नहीं किया लेकिन ईशु की क्रूस में मृत्यु के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं 어떻게 내가 술 마시는데 그렇게 또 कैसे मैं शराब पीता हूं मैं कैसे पवित्र हो सकता हूं 그지마로 사기진 내가 그렇게 해또 मैं रोज़ झूठ बोलता हूं कैसे मैं पवित्र हूं नॉन 그래 하 तुम ऐसे हो लेकिन ईशु ने तुझे पवित्र किया है मैं 매일 이런 싸움을 मैं रोज ये लड़ाई लड़ रहा हूं तो तुम क्या कहना चाहते हो बाइबल गलत है तो तुम क्या कहना चाहते हो यीशु की मृत्यु व्यर्थ है तुम क्या कहना चाहते हो यीशु ने हमारे पाप नहीं धोए हैं यीशु फेल हुआ है नहीं ऐसा तो नहीं है तो, तो फिर क्या है तो वे क्रूस पे तुम्हारे पापों के लिए मर गया तो उसने तेरे पापों को क्षमा कर दिया उसे धो दिया बाइबल ऐसा बताती है

भाई 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 खोल के बात करते हैं तो परमेश्वर ने तुझे पवित्र कहा है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है तो मैं सर्वदा के लिए सिद्ध हूँ मैं सर्वदा के लिए पवित्र हूँ 형제는 지금 이 성경을 펴 놓고 읽고 성경은 그렇게 말하지만 또뜸에서 말 바이블에서 자기가 자기 자신 절대로 영원히 온전치 않고 거룩하지 않고 있는가 लेकिन जब तक वो अपने आ 는 तो प्रॉब्लम क्या थी हाँ भाई तूने शराब पी हाँ तूने गलत जीवन जिया तूने अपराध किए हाँ तू गंदा है तू सच में घिनौना है तो मैं मानता हूँ तो लेकिन उस पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मर गया उसने क्रूस पे सारी सजा पा ली तो फिर तेरा सारा पाप धुल गया नहीं धुल गया तो ठीक से जवाब नहीं दे पाया तो बाइबल में को चुग 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 तो पे जो मृत्यु थी तो अंदर को पाप था इसलिए उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने हमारे पापा को ईशु पर लाद दिए इसलिए जो सजा हमें मिलनी थी वो यीशु ने क्रूस पे पा इसलिए जब ईशु मसीह क्रूस पे मरा तो इनके ये 놀랍게 또 바이블 어도룩스 से क्या कहती है पूरी चाहिए 심판이 끝났다 हमारे पाप का न्याय खत्म हुआ पूरी चाहिए 형벌이 끝났다 तो हमारे पाप की सजा पूरी हुई तो हमारे पाप का श्राप पूरा हुआ तो जो श्राप हमारे ऊपर आना था वो इशू की ओर चला गया और यीशु ने उस श्राप को पा लिया कुछ भी ना छोड़ते हुए रूप से, पवित्र रूप से थोड़ा सा भी ना छोड़कर, से उसने धो दिया इसलिए बाइबल क्या कहती है कि हम पवित्र किए गए हैं लेकिन वो पवित्रता वो सर्वदा के लिए है 처음에 제가 죄 사함을 받고 난 뒤에 또 शुरुआत में, तो में पाप क्षमा पाने के बाद 저희 अपनी दीदी से जाके बताया दीदी मैंने पाप क्षमा पा ली मैं अब पापी नहीं हूं तो दीदी मुझे देख के क्या बोलने लगी उक्सु बहुत बड़ी समस्या हो गई तो तू तो कैसे ऐसा बन गया तू सोच के देख हमारे चर्च के बड़े पास्टर भी खुद को पापी बताते हैं एल्डर भी खुद को पापी बताते हैं, तो तो सब हिम्मत तू गलतियां इतनी गलतियाँ पाप किए हैं और तू कह रहे की तू है इस बात का क्या मतलब बनता है तो आत्मिक जीवन जीने वाला इंसान नम्र होना चाहिए लेकिन तो कितना दीदी को आगे कुछ भूल नहीं पाया लेकिन ऐसा कह रही है क्यूँकी उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा लो लो तो आपकी सोच और परमेश्वर की सोच एक ही है तो परमेश्वर क्या वही बोलता है जो आपकी सोच से मेल खाता है तो परमेश्वर मन आपके मन से अलग है हाने, हाने तो परमेश्वर अपने मन के हिसाब से बोलता है और हम अपने मन के हिसाब से बोलते हैं लेकिन आपको क्या लगता है क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है क्या हमारे अंदर पाप होते हुए परमेश्वर बोल सकता है की हम धर्मी है तो हम पवित्र नहीं है लेकिन फिर भी क्या परमेश्वर बोल सकता है हैं हम पवित्र है तो ये परमेश्वर का वचन है ये पक्का से परमेश्वर का वचन है <laughs> मैं बाकी सब चीजों के बारे में नहीं जानता लेकिन मैं इस वचन में विश्वास करता हूँ दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कहे मैं इस वचन में विश्वास करता हूँ तो, तो जब मैंने ईश्वर विश्वास किया तो, तो मैं परमेश्वर को काम करते देख सका मैं बदलने लगा मैं नया होने लगा मैं बदलने लगा कैसे मन से तो परमेश्वर का वचन स्वीकार करने से पहले मैं गंदा था मैं पापी था मैं घिनौना था मैं मुझे क्षमा कर दो मैं हमेशा यही बोलता था कब तक जब तक मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो कुरिन बाइबल में 1800 पेज है 2800 पेज 그림 하나도 없고 전부 다서 페이지 में एक भी चित्र नहीं है सिर्फ यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है तो एक पेज पढ़ने में दो मिनट लगते हैं 6이 소년 तो 60 घंटे में पूरी बाइबल को पढ़ा जा सकता है तो सोमवार से लेके शनिवार तक तो एक दिन में अगर मैं दस घंटे बाइबल पढूं तो मैं छह दिनों में नया और बुरा नियम खत्म कर सकता हूं एक बार पढ़ा दो बार पढ़ा दस बार पढ़ा बीस बार पढ़ा तीस बार पढ़ा चालीस बार पढ़ा पचास बार पढ़ा अद्भुत बात क्या थी मुझे पता चला कि परमेश्वर का और मेरी सोच बिल्कुल अलग है तो याजी। मुझे क्या करना था अपनी सोच को फेंकना होगा सही है तो आप लोगों की सोच को फेंक कर इस बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल जो बताती है और आप जो बोलते हैं वो एक हो जाएगा लेकिन अगर आप अपनी सोच को पकड़ के बाइबल को पढ़ेंगे तो आपका मन और बाइबल अलग ही रहेगी क्यों? यशाया की किताब में लिखा है क्योंकि कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है तो बाइबल साफ साफ में क्या बताती है मैं मैं ने से ने क्या। तो परमेश्वर ऐसे कहता है कि मेरा विचार और तुम्हारा विचार अलग है तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग अलग है तो इस दुनिया में चाहे मतलब करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन एक भी परमेश्वर जैसा सोच विचार नहीं रखता ना कि एक भी ऐसा नहीं है की। तो एक भी परमेश्वर जैसी सोच नहीं रखता इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा निकोदम से एक बार ईश्मी से मिलने गया तो रात की बात है तो उसने ईशु को क्या कहा हे हम जानते कि तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया क्योंकि क्योंकि कोई इन चुनो को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता तो निकोदमस अच्छे से जानता था कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है तो ईश्वर से क्या कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता तो बोलने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो क्या वे अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है इस बात का क्या मतलब बना तो यहाँ पे अगर हम निकोदमस के एटीट्यूड को देखते हैं तो उसके मन में हम घमंड तो अगर वो घमंडी ना होता अगर वो सच में मन से जानता मसीह परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है तो वे अपनी सोच को फेंक कर ईशु की वचन को स्वीकार करता ईशु ने उसे समझाया तो जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है तो स्पष्ट रूप से उसे समझाता है हाँ तू शरीर से एक बार जन्म ले चुका है लेकिन तुझे आत्मा से दोबारा जन्म लेना होगा तो शरीर से नहीं तुझे आत्मा से दोबारा जन्म लेना होगा तो मसीत में परमेश्वर है तो परमेश्वर के पास हमारे समान शरीर नहीं है हाथ पैर नहीं है वो आत्मा है मन, लेकिन वो इशू हमारे पापा को मिटाने के लिए तो मनुष्य की देह को पहनकर इस दुनिया में आया तो परमेश्वर आत्मा है और ईश्वर मसीह आत्मा है तो वह मनुष्य का शरीर पहनकर इस दुनिया में आया <स्चिया> तो जी तो शरीर में वो बिल्कुल हमारे समान शरीर को पहना हुआ था ना ना लेकिन ईशु मसीह के मन में परमेश्वर का मन था इसलिए ईशु की सोच और हमारी सोच एक समान नहीं हो सकती निकोदमस ने क्या कहा ऐसा कैसे हो सकता है ना 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 में। तो ये पढ़कर मेरा मन उसमें बहुत चलता हुआ मन मेरे मन में आता है तो निकोदमस अपनी तरफ से बातें बोलता जा रहा है तो लेकिन ईशु मन से उसे समझा रहे हैं कि निकोद में समझ पाए क्यूँकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है, आत्मा है उरी उरी बुटो तो हम अपने माँ बाप से शरीर को लेकर पैदा हुए हैं लेकिन हम पैदा हो गए पर हम आत्मिक नहीं है तो हम पाप के बीच को लेकर पैदा हुए हैं इसलिए दोबारा जन्म लेने के लिए यीशु मसीह जैसा बनने के लिए जय सुनी 몸을 가지고 계시고 ईशु मसीह के पास हमारे समाज शरीर था लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का मन था यह सुन में अगर हम के मन को स्वीकार करते हैं तो हम भी ईशु के समान जन्म ले सकते हैं। तो अगर आपको का मन स्वीकार करना है क्योंकि वो हमारे मन से अलग है हमारी सोच से अलग है इसलिए हमें अपने सोच को फेंकना होगा मेरी सोच गलत है वो दुष्ट है गंदी है झूठी है व्यभिचारी है तो इस गंदे मन को रखकर ईशू ऐसी हम बातचीत नहीं कर सकते अपनी सोच का इनकार करना अवश्य है तो और तब हमें ईशु के वचन को स्वीकार करना है तो एक दिन ईशु मसीह ने अड़तीस वर्ष से पीड़ित रोगी को कहा उठ अपनी खार उड़ाओ चल फिर तो वह 38 वर्ष से चाहे जिंदा था लेकिन वो कभी चला नहीं था तो उसने चलने की बहुत कोशिश की तो और मतलब उसने इलाज कराने की कोशिश की लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई अड़तीस वर्ष वो ऐसे ही रहा था उठ और चल फिर तो अड़तीस वर्ष से पीड़ित रोगी के मन में मैं कैसे चल सकता हूँ मैंने बहुत कोशिश की है बहुत बार कोशिश की है मैंने कोशिश की मैं गिर जाता फिर गिर जाता अब मैं ऊब चुका हूँ मैं नहीं चल सकता तो अगर मैं चल सकता तो क्यों पड़ा होता? तो वर्ष से पीड़ित रोगी ऐसा सोचता था वो नहीं चल सकता था तो कैसे वो चल सकता है नहीं चल सकता लेकिन ईश्वर ने कहा कि उठ अपनी घाव चल फिर तो बाइबल बहुत ही अद्भुत है तो वो रोगी उठा और अपनी घाट को डाके चलने लगा तो जो उसने आज तक अनुभव किया था जो उसे अब तक पता था जब उसने उसको त्याग दिया तो तब ईशु मसीह का वचन की तू चल वो वचन उसके मन में प्रवेश कर सका तो मैंने उस रोगी के मन के बारे में बहुत बार सोच के देखा है प्रभु तू मुझे चलने के लिए बोल रहा है तो अगर मैं चल सकता तो कितना अच्छा होता लेकिन मैं नहीं चल सकता मैंने बहुत कोशिश की है मुझसे नहीं होता मैं कैसे चल सकता हूँ तो पहले उस रोगी के मन में ऐसा मन हुआ होगा लेकिन उसने फिर से सो सोचा हाँ अब तक मैं अपनी सोच के हिसाब से जिया हूँ लेकिन अपनी सोच के हिसाब से चलकर मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ मैं एक भिखारी बन गया और सच में मैं एक लकवे का रोगी बन गया तो अब मैं इनकी बात को सुनता हूँ चाहे मेरी सोच से अलग है चाहे मेरी सोच से मेल नहीं खाती लेकिन ये मुझसे बेहतर है इसकी बात को भी बस उनके देखता हूँ कोशिश करता हूँ नहीं हो पाएगा तो फिर देखता हूँ तो मुझे लगता कि नहीं होगा लेकिन फिर भी उसने बोला कि मुझे उठा उठ और चलू तो मैं चलता हूँ ये विश्वास, है।, ये के में विश्वास करते हैं, है तो ऐसा नहीं है कि वो वचन हमेशा हमारे मन से मेल खाता है तो हम सबका मन प्रभु के मन से अलग है क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं क्योंकि युवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है अगर आपको अपना मार्ग लेना है तो अपना मार्ग लीजिए अगर आपको परमेश्वर का मार्ग लेना है तो आपको अपने सोच विचारों को मानना होगा तब तब तो बहुत सारे लोग आज चर्च तो जाते हैं तो भारी रूप से वो प्रार्थना भी करते हैं और चंदा देते हैं और अच्छे काम करते हैं लेकिन उनका मन परमेश्वर से अलग है और वो उसी को कायम रखते हैं अगर आप लोग को परमेश्वर का मन रखना है आपको अपने सोच विचार फेंकने होंगे और अगर आपको अपने सोच विचार रखने हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को फेंकना होगा क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन हमारे सोच विचारों से, से एक समान होता तो दोनों के पीछे कोई बात नहीं थी लेकिन बाइबल हमें साफ साफ क्या बताती है यौवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है परमेश्वर ने कहा है कि अलग है हमारे सोच विचार मसीह के सोच-विचार एक जैसे नहीं हो सकते तो शिमह नाम के व्यक्ति से बात की तो ये भाई रोज शराब पीता था और सच में बहुत गलत जीवन जीता था और तो एक उड़ाव जीवन जी रहा था तो पूरे आ, मतलब एरिया में उसकी खबर फैली हुई थी खेरौन खेरौन तो तेईस साल, तो साल उसने, तो उसने तो शादीशुदा तो जीवन जी अपनी पत्नी के साथ लेकिन उसकी पत्नी मतलब इतनी परेशान थी उसे लगता था कि इसके बदले मैं एक जानवर के साथ रह सकती हूँ तो मैंने कहा कि अपने पति को लेकर आओ तो मैं और उसके पति आमने सामने बैठ गए तो मैंने बाइबल को रखी उनसे बात की और वो अपनी सोच बताता रहा कहा भाई क्या तो सिद्ध है नहीं मैं सिद्ध नहीं हूँ क्योंकि वो सिद्ध नहीं था वो शराब पीता था गलत जीवन जीता था और बहुत ही मतलब उड़ाओ जीवन जी रहा था तो पूरे एरिया में वो शराबी के नाम से मशहूर था तो शराब के बिना वो रह ही नहीं सकता था तो एक बार वो अपने पत्नी की नौकरी करने की जगह पे गया और शराब के पैसे देने के लिए लड़ाई करने लगा तो पत्नी इतनी ज्यादा परेशान हो गई तो वो पैसे दी बिना नहीं रह सकी फिर गया शराब की वो ऐसे जीरा था तो जिस दिन वो मुझसे मिलने आया उस दिन भी मतलब दो बोतलें कटोरे में डालकर तो ज्यादातर लोग सोजू को एक छोटे से ग्लास में पीते हैं लेकिन वो पूरे कटोरे में भर लेता था और वो सोचता था कि वो पवित्र नहीं है स्वाभाविक बात है स्वाभाविक बात है क्योंकि वो ऐसे जी रहा था लेकिन समस्या क्या है वो क्यों इस प्रकार का गलत जीवन जी रहा था क्योंकि वो पवित्र नहीं था इसलिए वो ऐसे जी रहा था लेकिन परमेश्वर परमेश्वर का कि तू तो अपनी ओर मत देख वचन पे विश्वास कर आप आमेन कह सकते हैं आमेन कह सकते हैं तो आधा घंटा उसने मुझसे लड़ाई की तू पवित्र है तू शुद्ध है या नहीं है बाइबल तुझे सिद्ध कहती है बाइबल तुझे कहती है कि तो पवित्र किया गया है सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया है तो अद्भुत सच्चाई क्या है ना केवल वो भाई ईशु मसीह क्रूस ने हम सबको सिद्ध कर दिया है अगर हम विश्वास करें तो हम सिद्ध बन जाते हैं लोग सोचते हैं कि वे पापी हैं, इसलिए वे पापी करते हैं आमिन आमिन 많은 가르칩니다. बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि तुम पापी हो बहुत पास्टर्स से सिखाते हैं क्यूँ अच्छा क्यूँकी बाइबल से ज्यादा सोच विचार लोगों को बताते हैं 성경은 뭐라고 말합니까? बाइबल हमें क्या बताती है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है तो बलदान चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पाप धुल गए हम सर्वदा के रिश्ते कर दिए गए हैं तो, तो मैंने बाइबल को पढ़ा इब्रानियों की किताब मैंने इब्रानियों नौ पढ़ा वहां क्या लिखा था परंतु जब मसी आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सद से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं तो दुनिया में दो मंदिर है एक मंदिर स्वर्ग में है और एक यरूशलेम में है तो लोग ठीक से जानते नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग अपने चैपल को मंदिर कहते हैं लेकिन एक चर्च की बिल्डिंग मंदिर नहीं है तो यहूदियों ने यरूशलेम में मंदिर बनाया 지방마다 유대인들이 그 예배들 모이는 예배당은 और बाकी जगहों पे भी यहूदी इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे लेकिन वे उसको सिनेगॉग बोलते थे उसको मंदिर नहीं बोल सकते थे उसे आराधनालय कहा जाता था तो उसको मंदिर नहीं कहा जा सकता था नहीं नहीं नहीं। लेकिन जो ये बात जानते नहीं है वो एक चैपल को भी मंदिर कहते हैं लेकिन ऐसा सच नहीं है मंदिर सिर्फ दो हैं एक स्वर्ग में है

तंबू को आगे चल के सुलेमान ने मंदिर में तब्दील कर दिया और उसको चला दिया गया दोबारा दोबारा उसे बनाया गया तो आज यरूशलेम में जहाँ मंदिर था तो एक तरफ वो दीवार है जो पहले मंदिर की दीवार थी और मंदिर के अंदर सब मिट्टी और पत्थरों को लगाने के बाद तो जमीन को खोद कर एक नई बिल्डिंग को बनाया गया सोवन तो वो एक मस्जिद है जिसे डोम ऑफ रॉक कहते हैं तो, है तो, तो मंदिर की जगह पे क्योंकि वो मस्जिद बनाई गई है इसलिए यहूदी उसे हटा के दोबारा से मंदिर बनाना चाहते हैं लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मंदिर सिर्फ एक है मंदिर अगर दो होंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी तो इसराइली जब कानान में प्रवेश किए थे तो उन्होंने यर्दन के पास एक वेदी बनाई थी जिसकी वजह से इतनी लड़ाई हुई तो मंदिर दो नहीं हो सकते एक है तो स्वर्ग में जो है उसका नमूना पृथ्वी बनाया गया

तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं तो जो, यहां जो कहा गया है ये मंदिर है तो जब इसराइली रेगिस्तान में जंगल में रहते थे तो वे उसे तंबू के समान बनाए हुए थे और सुलेमान ने उसको हटाकर मतलब एक पक्का मंदिर बनाया था तो इसलिए दो मंदिर हैं, एक स्वर्ग में है और एक पृथ्वी पे तो स्वर्ग में वो अनंत काल की दुनिया है तो वहाँ सब कुछ अनंत काल के लिए है तो ये घड़ी मैं 20 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे किसी ने ये उपहार दिया था बहुत ही अच्छी घड़ी है तो ये रोलेक्स है नहीं माँविता ओमेगा है। तो में शायद ये 2000 डॉलर की हुई होगी जब किसी ने खरीदी थी तो मुझे लगता है कि तब इसकी कीमत उतनी होगी तो बीस साल में ये घड़ी पहनता आया हूँ तो मैं अफ्रीका वगैरह जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं गुम ना हो जाए इसलिए मैं घर छोड़ देता हूँ और एक ऐसी बैटरी वाली घड़ी पहन के किसी को देख के आ जाता हूँ 20 तो तो साल से मैं इसको, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छी चल रही है लेकिन अब जो डेट दिखाने वाला जो फंक्शन था वो खराब हो गया है। तो डेट मतलब देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसलिए बस मैं अभी भी इसको, इसको, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन आपको क्या लगता है कि 200 साल तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं क्या ये हजार साल तक इस्तेमाल की जा सकती है क्या दस हजार साल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है नहीं की जा सकती तो लोग कहते हैं कि सोने को जर नहीं लगता तो आप घू में एक म्यूजियम है वहाँ जाके देखिए कोरिया में तो शिमला के जमाने में जितने सोने की चीजें थी उन सब पे जर लगा हुआ है तो इस दुनिया में जो कुछ भी है सब बदल जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बदलता क्योंकि हम समय से बंध हुई दुनिया में लेकिन स्वर की सब चीजें अनंत काल की हैं। इसलिए हम इस शरीर को लेके वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे हमें लाखों करोड़ों साल के जिंदा रहना है तो बीमारी होना सर होना ये वो होना ये सब इस दुनिया की बातें तो इब्रानियों नौ के ग्यारह में

तो स्वर्ग के उस रूप को देखकर मूसा ने जो तंबू बनवाया था तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा था क्योंकि उसने वहाँ से देख के जो बनाया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि समय से बंधी हुई दुनिया है वो अनंत काल के लिए नहीं था आप समझ रहे हैं हाँ मैंने पाप किया और मैंने एक बकरे या बछरे को पकड़ा और बलि चढ़ाई हाँ मेरा पाप धुल गया और उसके बाद शिगान क्योंकि समय बीता जा रहा है समय से बंधी दुनिया है तो वो चीज भूतकाल को चली गई तो, तो अगर दस साल की बात मैं एक दूसरा पाप करता हूँ तो पिछले बार जो मैंने बलि चढ़ाई थी क्योंकि अब वो भूतकाल की बात है तो वो आज का मेरा पाप नहीं धो सकती समय से बंदी दुनिया है तो समय आगे बढ़ता चला जा रहा है इसलिए दोबारा से एक बकरी की बलि चढ़ानी होगी तो दोबारा से एक भेड़ बकरी की बलि चढ़ानी होगी जब जब कोई पाप करता है दोबारा वही करना होगा लेकिन ईशू मसीह पर चढ़ने के बाद तो अगर उसने अपना लहू इस पृथ्वी के तंबू में छिड़का होता तो वो समय से बंधी हुई दुनिया थी तो बार बार उसको मरना पड़ता क्योंकि समय बीत जाता तो हजार बार लाख बार करोड़ बार चाहे वो मरता तो भी हमारा पाप अनंत काल के लिए नहीं धुल सकता था परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी तो और भी बड़े तम्बू से होकर जो हाथ का अर्थात सृष्टि का नहीं छे रुपये छह साल उसने हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया तो अपनी दे का बलिदान चढ़ा दिया और अपने तो पृथ्वी के हाँ के हाथ तंबू तंबू में प्रवेश नहीं किया। तो वो और भी बड़े और से, से होकर जो हाथ का बना नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं इसका मतलब क्या हुआ नारायण इसका मतलब हुआ कि स्वर के तंबू में प्रवेश किया आमें। 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 आमें।

परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का माया आया तो उसने और भी बड़े से तंबू से होकर जो हाथ का बनाया नहीं अर्थात तो सृष्टि का नहीं तो आपको ये बात समझ में आ गई इंग्लिश में सुन के हिंदी में सुन के समझ में आ गई? तो हाथ से बनाया नहीं, इस पृथ्वी का नहीं

एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया 자 여러분 예수님의 속죄는 몇 년이 유효합니까? 이슈 마시카 죽을 때까지 그랬다. 그랬던 그 양의 제사, 염소의 제사, 그 제사 단한 번의 죄를 사. 또 구약의 규정에 있는 양과 염의제사한 번에 죄를 사. 제사 기 때문에. 그리고 는그리죄는 사람이 죄를 사. 제사 기 때문에. 그리고 죄를 짓는 사람이 죄를 사. 제사 드렸기 때문에. 그는 그리고 죄를 짓는 사람이 죄를 사. 제사 드렸그는 사람이 죄를 사. 제사 드렸기 때문에. 그 था सच में वो एक बादल के ऊपर उठता रहता था लेकिन यीशु मसीह का लहू ऐसा नहीं है तो यीशु मसीह एक बार जब क्रूस पे पृथ्वी में मरा तो उसने अपने लहू को इस पृथ्वी के मंदिर में नहीं चढ़ाया तो वह स्वर्ग में किया

इसलिए मैंने उन्हें समझाया तो बाइबल क्या कहती है तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। तो यीशु जब क्रूस में मरा उसने भाई तेरे पाप धो दिए या नहीं धो दिए? उसने तुझे पवित्र कर दिया नहीं कर दिया या नहीं कहा है ना सही है तो भाई तू तो सिद्ध है भाई 돼요 नहीं मैं तो नहीं हूं 나를 보니까 온전하지 않어 तू जब तक वो खुद को देखता रहा वो सिद्ध नहीं था लेकिन 이슈 कहता है कि वो सिद्ध है बोलते तो 볼때 온전하지 않아 또 भाई तू तो अपनी नजरों में सिद्ध नहीं है तो मैं भी ऐसा ही था तो मैं भी पापी था मैं भी सत्य नहीं था, था। लेकिन ईशु मसीह जब क्रूस पे मरा और हमारे पापा के लिए मर गया तो अगर उसने आधा पाप धोया था, था तो नहीं होता तो इसलिए उसने सारा पाप धो दिया इसलिए वो हमें सिद्ध कहता है आमन तो तू सिद्ध है, है। तो, तो आधा घंटा हम इस बात पे बहस करते रहे कि तू सिद्ध है या नहीं है लेकिन आधा घंटा करीबन बीत जाने के बाद तो वो भाई बार बार ढीठ बन रहा था और मैंने कहा तू कहता है, कि नहीं है। लेकिन बाइबल तुझे सिद्ध कहती है तो क्या तू सही है या बाइबल सही है बाइबल सही है तो बाइबल अगर तुझे सिद्ध कह रही है तो क्या सिद्ध नहीं है नहीं मैं सिद्ध नहीं हूँ परमेश्वर अगर तुझे सिद्ध कह रहे तो सिद्ध है या नहीं है तो परमेश्वर तुझे बिना सिद्ध बनाए ऐसे ही बोल देगा कि तू सिद्ध है तो हाँ ये तो सही है तो बाद में उसने क्या कहा तो हाँ अगर मतलब ऐसा लिखा है कि मैं सिद्ध हूं तो फिर मैं सिद्ध हूं तो ये व्यक्ति तेईस साल शराब पी रहा था हाँ मैं शराबी हूँ हां हमम से रखते हैं तो मैं छोड़ना चाहता हूँ नहीं छोड़ पाता मुझे लगा दाल मानना जेल को तो 고민이 또 जब ये भाई मुझसे मिला उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी तो उसको लगा मैं बोलूंगा शराब छोड़ दे अगर पास से बोलेंगे शराब छोड़ दे फिर मैं क्या करूंगा तो मैंने कितनी कोशिश की है नहीं छोड़ पाया हूं नहीं छूटती है पर अब पासा फिर बोलेंगे शराब छोड़ दे तो मैंने एक बार भी ऐसी बात नहीं बोली मैंने लड़ाई की मैं परमेश्वर सेवक हूँ परमेश्वर के वचन को मैं स्थापित करता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिद्ध है तो ऐसा नहीं है कि तूने पाप नहीं किया मसीह के लव के द्वारा क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है लेकिन मैंने पाप किया तो हाँ, इसीलिए तो पे मर गया तो, तो वो पाप भी से धुल गया तू पवित्र है, तो आधा घंटा हमने लड़ाई की कि तू पवित्र है या नहीं है 30분 시간 뒤에 आधा घंटे के बाद तो उस तो भाई ने कहा हां मैं शुद्ध हूं मैं पवित्र हूं मैंने तो फिर से उल्टा कर दिया उन्जने? तो तू शराब पिएगा फिर भी तू तो शुद्ध है हां जी सुजन बोले तो 온전에 तो तू शराब भी के इधर तो घूमेगा तो भी तू शुद्ध है हां जी जेजे도 온전에 तो तू पाप करेगा तो भी तू शुद्ध है चढ़ गया ना हाँ मैं सिद्ध हूँ क्या हुआ वो घर वापस गया तो पहले मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि शराब जब पीने का मन करता था तो बर्दाश्त नहीं कर पाता था अगर शराब नहीं मिलती तो पागल हो जाता था, था। लेकिन इस वचन पर विश्वास करने के बाद तो मतलब उसको शराब पीने का मन नहीं हुआ तो बहुत पत्नी देख के हैरान हो गई वो समझ नहीं पाई क्यों तो मतलब उसको शराब पीने का मन नहीं करता था तो शराब पीने का मन उसके अंदर उत्पन्न होता तो मैंने उसे कहा कि तू मिशन स्कूल, तो स्कूल आ गया और आज वो एक सुषमा का प्रचारक है और कितने खुशी से वो जी रहे हैं क्यों तो पत्नी कितनी खुश है तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी आगे 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 आगे। और दोनों ने मिशनरी स्कूल में आके ट्रेनिंग पाई और अब वो एक चर्च में को पास्टर हैं सेवकाई कर रहे हैं।, हैं तो इतने खुश हैं तो अभी वो एक छोटे से चर्च में सेवकाई कर रहे हैं लेकिन दोनों बहुत खुशी से जी रहे हैं। तो एक एक करके लोग उधार पा रहे हैं लोग बढ़ रहे हैं तो उनकी पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में रह रही हूँ तो आप लोग सोचते हैं कि जब आप झूठ बोलना बंद करेंगे तब आप सिद्ध होंगे? आप सोचते हैं कि जब मैं शराब छोड़ दूंगा तो मैं अपने आप को सिद्ध कह सकूंगा आप सोचते हैं कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आप सिद्ध होंगे तो मैं शराब पी रहा हूँ कैसे अपने आप को सिद्ध कह सकता हूँ तो आप लोग ऐसे सोचते हैं लोग ऐसा कहते हैं तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक नोटबुक खरीदनी है तो जो स्टेशनरी का दुकान वाला था वो मेरे पिता का दोस्त था तो अभी पैसे नहीं मेरे पास तू जाके दुकानदार को बोल देना कि पिताजी बाद देंगे अंकल पापा ने कहा है कि मैं आपसे एक नोटबुक ले लूं. हां ठीक है ले तो पिताजी ने जाके पैसे दे दिए तो कभी कभी वो पहले दे देते थे

क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हमारे पाप को बर्फ तरह सफेद साफ कर दिया इसलिए हम धर्मी हैं। अगर हम इस विश्वास करें तो हम बदल जाते हैं अगर आप आपको पापी कहेंगे तो आप पापी ही रहेंगे अगर आप विश्वास करेंगे कि आप पवित्र हैं तो आप पवित्र हो जाएंगे तो क्या प्रभु ने हमारे पाप नहीं धोए और हमें धर्मी बोल दिया जैसे पाप धो दिए अगर फिर भी हम आपको पापी कहेंगे तो परमेश्वर की निंदा करना है तो इनकार करना है वो ईशु पे अविश्वास करना है तो जो ईशु पे विश्वास करता है वो विश्वास करता है कि मेरे पाप धुल गए, तो मैं चाहे बड़ा पापी था लेकिन ईश्व ने अपना लहू भा के मेरे पापों की सजा पा ली और मैं पवित्र हूँ मैं सिद्ध हूँ ऐसे विश्वास करना है 우리는 우리의 모양을 보고 내가 그렇게 되면 또 हम अपने आप के रूप को देखकर हां जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा तब मैं अपने आप को कहूंगा। तो ऐसा तो नहीं है उरी नोरे हम अपनी कोशिशों से कभी पवित्र नहीं हो सकते तो शैतान जो हमें ललचाता है वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है तो हम तो अपने आप से नहीं हो तो सकते तो हम कुछ हद तक अपने आप को अच्छा तो दिखा सकते हैं लेकिन हम सिद्ध पवित्रता हासिल नहीं कर सकते इसलिए क्रूस पर मरना पड़ा तो ये अद्भुत सच्चाई है तो एक और वचन पढ़ूंगा तो आज हमने मती सताइस पढ़ा था तो हम मती 27 को लौट के जाएंगे 27장 मती 27어49 देखेंगे और रह जाओ देखिए एलिया उसे बचा, बचाने आता है कि नहीं तो पचास को ध्यान से देखिए पचास में क्या लिखा है तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए 그런데 예수님이 죽으셨다는 거죠. 또 यहां इशू मर गया. 예 죄를 형벌을 받고 또 हमारे पापों 분명히 우리 죄를 예수의 죄가서 우리 죄 때문에 죽으신 것입니다. 이슈가왜죽었마라또 हमारे प 에죽었ं के ल ि 1절을 봅시다. 또51 성서의 시작이 위에서부터 위로부터 아래까지 둘이 되고 था। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गयी मतलब हुआ गामे, गामे, तो पुराने नियम में में जब मंदिर में जाते थे तो वहाँ पे पवित्र स्थान था और परम पवित्र स्थान था पर, परम पवित्र स्थान पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था तो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। चाहिए कि तुम बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो इब्रानियों मतलब इब्रानियों किताब में बहुत मजेदार बात क्या है? तो इब्रानियों की किताब में मतलब जो याजक लोग थे वो मंदिर में जाके बलि चढ़ाते थे। लेकिन जब पवित्र स्थान में हो जाते? तो पवित्र क्या होता था तो वहाँ मतलब वाचा वाचा का संदूक संदूक था। तो वाचा के में, तो के में? उसके अंदर क्या था तो वहाँ मतलब दस आज्ञाएं थी आप समझ रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई पापी जाएगा और वह वाचा के संदूक के सामने खड़ा होगा तो क्योंकि उसके अंदर पाप है तो उसके ऊपर न्याय आ जाएगा इसलिए परमेश्वर ने तो परमेश्वर ने दस आक्याओं को वाचक संदूक के अंदर रखने के लिए कहा और उसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए कहा और दो तरफ का रूप अपने पंखों से उसे ढांपती है तो उस ढकने को प्रार्थित का ढकना कहा जाता है तो वह दया की जगह अनुरे पानी की जगह है तो अगर आप उसको खोलेंगे तो एकदम से व्यवस्था आ जाएगी और जो व्यवस्था आ जाएगी तो पापी को नाश होना होगा आप समझ रहे हैं लेकिन अगर उस को बंद कर दिया जाए और करूबो ने अपने पंखों से हुआ है तो मतलब वो उसे खोलने नहीं देते तुकर 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 और मतलब वो उसको अपने पंखों से ढांपते हैं और वहाँ पे मतलब फीर फीर spring, और उसके ऊपर मतलब लहू छिड़का जाता है कि इसको ना खोला जाए इसको मत खोलो तूने पाप किया हाँ हा, इसको निकालना होगा इसलिए इसको दंड क्या क्या देनी होगी छह इसलिए चाहे तूने पाप किया लेकिन इसके ऊपर हमने लहू छिड़क दिया तो ये लहू दिखाता है कि तेरे पापों की कीमत चुका दी गई इसलिए तू उसको मत खोल इसको मत खोल इसको बिल्कुल मत खोल इसको खोलना गलत है वे तो इसराइली जब युद्ध लड़ रहे थे तो वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया तो पिलिस्ती तो उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं था, था तो ये धर्म की भ्रष्टता को दिखाया गया है तो एली ने अपने दो बेटों को याजक बनाया था दुण 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 लेकिन वो दो बेटे बहुत व्यवचारी थे और वे मंदिर में जो औरतें आती थी उनके साथ व्यवचार किया करते थे इसलिए में एली के दोनों बेटे मर जाते तो हैं। और उसके बाद एली खुद भी मर जाता है जब उसको खबर मिलती है कि वाचा के संदूक कुछ लिया गया है, वो मर जाता है तो बहुत मोटा था और वह मतलब कुर्सी से गिर गया और वह उसकी गर्दन टूट गई वो मर गया और उसके बाद कोई अगवा नहीं था कोई आजक नहीं था तो इन दिनों में हम जो ये सी कर रहे हैं या फिर ये वर्ल्ड कैंप जम करते हैं इसका कारण क्या है तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे महान लीडर उत्पन्न हो सकें। तो कोई भी लीडर क्यों ना हो जब उसके मेंबर्स के पास आए तो वे उनकी अगुवाई कर सके कि वे पापों की क्षमा पाए और उद्धार पाए तो हमें लगता है कि ऐसे लीडर्स की अगुवाई करनी जरूरी है जो कि अपने मेंबर्स को की पाने के कर सके। तो पिछले साल हमने काम किया और सच में 6 लाख पास्टर्स हमारे साथ जुड़ गए तो वो सब लोग बाइबल नहीं जानते इसलिए उनके लिए हमने न्यूयॉर्क में थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की 62 लाख लोग हैं जो सभी मोमकेजादरी हैं तो यह करीबन 6 लाख 20 हजार पास्टर्स तो मैं चाहता हूं कि वे स्पष्ट रूप से बाइबल को सीखें पापों की क्षमा पाएं और अपने मेंबर्स को उसी पापों की क्षमा के मार्ग तक अगुवाई करें तो अमेरिका नाम के देश में 50 स्टेट्स हैं 3000 लोग तो अगर हमारे पास 5000 पास्टर्स हों तो 5000 अगर अच्छे महान पास्टर्स उत्पन्न हों 100 तो एक स्टेट में अगर सौ पास्टर्स अच्छे हों और वे सुषमा चा उपचार करें और अगर वे पापों की क्षमा का सुषमा करें तो कितना अच्छा होगा इसलिए हमने ये साइबर थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की तो, तो अद्भुत रूप से अभी आठ हजार लोग उसमें भर्ती हुए हैं और शिक्षा पा रहे हैं और वो सारे पास्टर्स हैं तो हम जनरल कोर्स भी हमारे पास तो बहुत ही अद्भुत सच्चाई है तो बाइबल में क्या कहती है तो मसीह क्रूस पे मर गया। तो हम इसको देखेंगे मती 27 का पचास था तब ईशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्ला कर प्राण छोड़ दिए तो मर गया सही 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 है? सही है? सही है? मर वे? हमारे पाप की वजह से आमिन 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 आमन खुत तब उ हमारे पाप क्षमा हो गए गते? गते? तब हमारे सब पाप क्षमा हो गए तो हम देखते क्या हुआ फिफ्टी वन देखिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गईं। तो मंदिर में एक पर्दा था तो जो साधारण याचक लोग थे तो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है तो परम पवित्र स्थान में जाना अलाउड नहीं है वो जाएंगे तो मर जाएंगे तो वहाँ जाते हुए लहू को लेके जाना पड़ता है तो वो करते, थे, ऐसे ही करते थे तो परम पवित्र साल में एक बार जाता था लहू लेकर जाता था क्यूँकी वो पापी है तो लहू के बिना अगर वो पवित्र जगह पे जाएगा तो उस पाप की वजह से वो मर जाएगा

तुम परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हो रोनि तो मेरे जैसा गंदा घिनौना व्यक्ति उस लहू के द्वारा मैं धर्मी बन गया ईशु के लोगों के द्वारा तो अगर मैं अभी भी अपने आप को पापी बोलूं, तो, तो इसका मतलब ईशु व्यर्थ मरा उसने मेरे पाप नहीं धोए इससे ज्यादा बड़ी ईशु को तुच्छ मानने वाली बात नहीं है ये कोई नम्र बात नहीं है ईशु के क्रूज को तुच्छ मानने वाली बात है चार चार। तो कितने लोग आज गलत शिक्षा दे रहे हैं तो बाइबल सचमुच में हमें ऐसा बता रही है इशू मसीह जब मरा, तो मंदिर का पर्दा फट गया। आप तो मंदिर जा सकते हो। तुम्हारा पाप धुल गया है। तुम आज के संदूक के सामने खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा पाप धुल गया है। हम पवित्र किए गए। हालेलुया। तो बहुत बार मैं वचन पढ़ते पढ़ते रूटता हूँ मैं इतना गंदा इन्होंने पापी था लेकिन ईशु मसीह ने स्पष्ट में अस्पष्ट रूप से अपना काम नहीं किया क्रूज के ऊपर ना शुद्ध रूप से बिना कुछ छोड़े हुए साफ से हमारे पाप को धो दिया तो आगे कोई और वचन देखेंगे और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव उठे तो जब पाप खत्म हो गया तो ये लोग जीवे आमिन आमिन तो अब हम परमेश्वर के सामने आजादी से कभी भी जा सकते हैं तो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो भी बाधाएं थी जो भी अड़चने थी वो सब हटा दी गई और हम आजादी से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं आमिर। यीशु मसीह ने सिद्ध रूप से हमारे पापा को धो दिया इसलिए जब ईशु तो जब उसकी रुकी, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया अब तुम लोग पवित्र हो अब तुम अंदर जा सकते हो अब तुम्हें लहू लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईशु का लहू बह गया और उसने तुम्हारे पाप धो दिए तो भाई। तो चाहे वो जानता था कि लहू ने उसके पाप धो दिए। लेकिन क्योंकि वो शराब पीता था वो हमेशा सोचता था कि वो सिद्ध नहीं है गया गया गया। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु के लहू के द्वारा हम सिद्ध हो गए हैं तो दोबारा से हम इब्रानियों नौ का ग्यारह देखेंगे परंतु जब मजी आने वाली अच्छी अच्छी का होकर आया, तो उसने और भी बड़े तम्बू से होकर जो हाथ का बनाया नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं है, स्वर्ग में जो तम्बू है उसकी बात की गई है और बकरों और बच्चों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा तो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया एक ही बार में अनंत काल के लिए उसने धो दिया दो बार जाने की जरूरत नहीं है ए, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया वो 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 वो। तो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं गया अपने ही लहू के द्वारा किया और उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया उसने हमें पवित्र बना दिया ऐसा किया तो जब हम सोच के देखते हैं इस बारे में, तो मैं इतना मेरा मन छुल जाता है मैं और खुश होता हूँ और मैं और धन्यवादी होता हूँ तो तब से ये भाई उसका मन जब पाप से आजाद हुआ तो अद्भुत रूप से उसके मन से शराब पीने की सोच खत्म हो गई तो, तो पहले वो शराब की पागल हो जाता था चाता चाता तो शराब को ढूंढता था अगर शराब ना मिले तो वो पत्नी के ऑफिस चला जाता था वहां उसे पैसे मांगता था कि पैसे दे मैं शराब खरीदनी है तो उसकी पत्नी इतनी दुखी थी लेकिन अब उसके मुंह से शराब अंदर नहीं जाती जब परमेश्वर उसके मन में प्रवेश किया तो जब भी वो अपना मुंह खोलता है तो परमेश्वर का वचन बाहर निकलता है तो अपने एरिया में वो एक मशहूर व्यक्ति बन गए अब तो जब हम परमेश विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है तो हम सिर्फ उन बातों पर विश्वास ना करें जो हमारे मन से मेल खाती हैं चाहे है हमारे मन से मेल ना खाए तो अगर प्रभु कहता है कि हमारे पाप धुल गए तो वो धुल गए हैं तो हमारे पाप अनंत काल के लिए धुल रहे हैं इसलिए हम पापी नहीं हैं क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है तो ये कितना अद्भुत वचन है तो इसलिए आगे को अभी कोई पाप का बलिदान नहीं रहा इब्राहिम दस का दस एक बार पढ़ेंगे उसी इच्छा से हम मसीह देखे एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं चौदह क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किया जाता है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है चल सोलह प्रभु कहता है कि जो बादशाह में उन दिनों के बाद यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा सत्रह फिर वह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा अठारह और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का प्रधान नहीं रहा हालेलुया परमेश्वर की महिमा करते हैं हम प्रार्थना करेंगे पवित्र पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे सारे पाप तब खत्म हो गए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया तो, तो बहुत सारे लोग पवित्र लोग जो मर गए थे वो दोबारा जी उठे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं तो आज भी वो लहू मौजूद है और जो भी उसे विश्वास करते हैं पवित्र हो जाते हैं हम सब अपनी सोच फेंक सके और इस वचन पर विश्वास करके स्वीकार करें ईशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो, तो मंदिर का पर्दा फट गया ताकि हमारे जैसे लोग परमेश्वर के सामने आजादी से जा सकें तो और हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके स्वर्ग जा सके आपके लहू ने हमें पवित्र किया हम आपकी महिमा करते हैं ईशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आमेन धन्यवाद